हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रू क्लासेस फॉर क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस से। 9th क्लास के अंदर सिलेबस साइंस में हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स रहते हैं। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके पास? 15 चैप्टर्स। पूरी साइंस की बुक को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लास्ट आपका फिजिक्स। ओके, जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हैं वो रहने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ ये सब हमारे फिजिक्स के हैं। लास्ट में आपके जो चैप्टर्स बचते हैं 13, 14 एंड 15 वो भी आपके बायोलॉजी के हैं, लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा टॉपिक्स हैं आपके वो टॉपिक्स हैं एनवायरमेंटल। ओके, बात करें अगर इन चैप्टर की वेटेज की तो हमारे पास जो 9th में फाइनल एग्जाम में पेपर आता है वो रहता है आपका टोटल 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। उस 80 में से जो आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री है, जो ओवरऑल आपकी केमिस्ट्री है वो आने वाली है 23 मार्क्स की। क्लियर। नेक्स्ट हमारे जो बायोलॉजी के स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, स्टार्टिंग वाले फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, वो अकेले तीन चैप्टर आते हैं आपके 24 मार्क्स के। नेक्स्ट जो हमारी फिजिक्स है 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th चैप्टर, ये आते हैं आपके 27 मार्क्स के। इन 27 में से 11 मार्क्स जो आपके रहते हैं वो रहते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कितने रहने वाले हैं आपके? 11 मार्क्स। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे तीन चैप्टर बचे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो चैप्टर के अंदर ज़्यादातर तो जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके एनवायरमेंटल। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े ओजोन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, ये सब। तो स्टार्टिंग के जो हमारे लास्ट के तीन चैप्टर हैं 13, 14 एंड 15 ये आने वाले हैं आपके 6 मार्क्स के। क्लियर। 23, 24, 6 एंड 27, इन सबको जब हम एडिशन करते हैं तो हमारा कितना आता है? 80। और उसके बाद 80 की आपकी थ्योरी हो गई प्लस आपका 20 का क्या रहने वाला है? प्रैक्टिकल, जो आपके स्कूल टीचर से आपको मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। अच्छा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब क्लियर है ना? केमिस्ट्री आपकी ऐसी साइंस रहती है जिसके अंदर आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम के बारे में, गैसेस के बारे में पढ़ते हो, वो सब आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है। जिसके अंदर हम अपने बारे में और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या रहने वाली है? आपकी बायोलॉजी। और ऐसी साइंस जिसके अंदर आप मोशन के बारे में पढ़ते हो, फोर्स के बारे में पढ़ते हो, वो सब क्या रहने वाली है? आपकी फिजिक्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का आता है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट वर्ड आता है इस चैप्टर के अंदर आपका, व्हाट इज मैटर। अब हम क्या देखते हैं? हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। सभी चीज़ों के अंदर अगर हमें कुछ कॉमन देखें, सब चीज़ों के अंदर कॉमन चीज़ ये रहने वाली है कि उन सभी चीज़ का कुछ ना कुछ मास होगा। मास मतलब कुछ ना कुछ उन चीज़ों का वजन रहने वाला है। और जब आप उस चीज़ को कहीं पर रखोगे तो वो कुछ ना कुछ आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। यानी कि जब हमने उस चीज़ को कहीं पर रखा तो उसने क्या करा? जगह घेरी। तो एनी थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपकी जो मैटर की नॉर्मल डेफिनेशन आती है तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, मास प्लस स्पेस ऑक्यूपाई करे। अगर कोई भी चीज़ क्या है जिसके पास मास है, अब मास बहुत ज़्यादा भी हो सकता है या फिर नेग्लिजेबल भी। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद जब आप उस चीज़ को कहीं पर भी रखते हो तो वो क्या करना चाहिए? आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे। किसी भी जगह पर रखने पर आपके क्या करे? वो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर कहलाने वाला है। क्लियर। CBSE के अकॉर्डिंग या फिर अगर हम देखें जो हमारी 9th क्लास है वहाँ पर हमारे पास सिर्फ तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, मैटर्स की आपकी सिर्फ तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है आपको 9th क्लास के अंदर। फर्स्ट स्टेट आती है आपकी सॉलिड स्टेट, सेकंड आती है लिक्विड एंड थर्ड आती है गैस। मैटर्स की कितनी स्टेट आ गई आपके पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट रिमेंबर, इसके अलावा मैटर्स की दो स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, मैटर की आपके पास टोटल स्टेट्स कितनी आ रही हैं? पांच।
फर्स्ट स्टेट हमने कौन सी पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड लास्ट कौन सी आती है आपकी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लास्ट में जो आपने दो स्टेट्स देखी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उनको डिटेल में स्टडी करना काफी टफ होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी ने या फिर सीबीएसई ने वो आपके सिलेबस में नहीं रखा है। आपको सिर्फ किसके बारे में स्टडी करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है इस चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक आता है कि जो ये मैटर है, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास मैटर तीन तरीके के हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट ये मैटर एक्चुअल में भी तो किसी चीज से बने होंगे। तो अगर हम किसी भी चीज को तोड़ना स्टार्ट करें, तो हम देखेंगे कि जितनी भी सभी चीजें उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम उसको ज्यादा और नहीं तोड़ सकते, यानी ये कोई सबसे छोटी चीज, और उस चीज को हम बोल देते हैं यहां पर पार्टिकल्स। तो याद रखिएगा जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से, और इन पार्टिकल्स की आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, क्लियर हुआ। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टिनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे रहने वाले हैं पार्टिकल्स, इतने छोटे कि हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देंगे। तो कोई भी आपसे पूछे पार्टिकल कितने बड़े होते हैं, तो कितने बड़े होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से टिनी पार्टिकल्स, टिनी यानी कि इतने छोटे कि हमें नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देते, हमारे लिए विजिबल नहीं होते। क्लियर। पार्टिकल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आपके पास आती है कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर हम किसी भी मैटर को देखें और अगर उनके पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, मूव करने वाले हैं, वो हमेशा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और हमें पता है किसी भी चीज को मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, और यहां पर जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कौन सी रहती है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब एक नया वर्ड आता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है क्या चीज, जो काइनेटिक एनर्जी है हमने पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी, बट होती क्या, अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, यानी कि कोई भी चीज किस में है, मोशन में है, तो वहां पर उस चीज को मूव कराने के लिए, मोशन कराने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल हैव फ्री स्पेस, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या रहने वाला है, फ्री स्पेस रहने वाला है। यानी कि अगर हम देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, कोई भी एक मैटर है, मैटर है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा बहुत इन सबके बीच में क्या है, खाली जगह है, थोड़ी बहुत इन सबके बीच में क्या है, खाली जगह। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस, या फिर इसका पूरा नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के, और स्पेस का मतलब खाली जगह। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या रहने वाली है, खाली जगह रहने वाली है। अब यहाँ पर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको तीन मैटर दे दिए, अलग अलग मैटर्स के नाम दे दिए, और आपसे पूछते हैं बताओ सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा किस में होगा। तो याद रखना जो सॉलिड स्टेट होती है, कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, इसके अंदर सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा किसके अंदर होता है,
लिक्विड स्टेट के अंदर, और लिक्विड से भी ज्यादा किसके अंदर होता है, गैसियस स्टेट के अंदर। क्लियर। सबसे कम जो फ्री स्पेस रहने वाला है वो किसमें, सॉलिड में, थोड़ा उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैस के अंदर। क्लियर। इस चीज के आपको डायग्राम भी दे देते हैं या फिर आपको एग्जाम्पल्स देकर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब हमने देखा अभी ऊपर इस डायग्राम के अंदर कि जो पार्टिकल्स मैटर था वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना था। अब उन सभी पार्टिकल्स को क्या रखना है, आपस में बांध कर रखना है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखना है ना। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई सी फोर्स लगाई जाएगी। तो वहां पर जो फोर्स लगाई जाती है उस फोर्स को हम बोलते हैं बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स से बांधे रखता है एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुई चीज। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये सबसे ज्यादा रहने वाली है सॉलिड के अंदर, सॉलिड से थोड़ी कम होती है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से भी कम होती है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ी कम लिक्विड, एंड देन लिक्विड से भी सबसे कम किस में रहने वाली है, गैसेस स्टेट्स के अंदर। क्लियर। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, सॉलिड से कम लिक्विड, एंड देन लिक्विड से भी कम गैसियस स्टेट के अंदर। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज पढ़ी आपने कि जो पार्टिकल मैटर होता है वो सारा मैटर किस चीज से मिलकर बनना है, पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं, टिनी, इतने छोटे कि हमें हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। उनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। उन सब के बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। फ्री स्पेस सबसे कम किस में रहने वाला है, सॉलिड में, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से भी ज्यादा गैस के अंदर। नेक्स्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में रहती है, सॉलिड में, सबसे कम लिक्विड के अंदर, और उनसे भी कम गैसियस स्टेट के अंदर। क्लियर। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि सॉलिड स्टेट कैसी होती है, लिक्विड स्टेट कैसी होती है, और गैसियस स्टेट कैसी रहती है।